अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो भाई लोग, आज की जो वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यार काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि यार हम 2021 में आईपैड 6 जनरेशन ख़रीदें या नहीं ख़रीदें पबजी के लिए। ठीक है, सो भाई आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना तो भाई आपका ये डाउट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, फिर आपके समझ आ जाएगा भाई आपको कौन सा पबजी के लिए लेना है, कौन सा नहीं लेना। सो वीडियो को पूरी देखनी है और स्किप तो बिल्कुल नहीं करनी, ताकि यार आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, ताकि आपको समझ ना आ सके। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी है। सो बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले बात आती है आईपैड 6 जनरेशन की लॉन्च डेट की। ठीक है, अब जो आईपैड 6 जनरेशन जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है 2018 में। ठीक है, और आईपैड 6 जनरेशन तो खैर अब तो बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, उस वक्त का मतलब बहुत अच्छा था, जब पबजी इतना नया नया नहीं था, मतलब जैसे तकरीबन एक साल हो चुका था पबजी को, फिर भी नया नया नहीं था, नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन भाई उस टाइम पे पबजी इसमें इतना बेस्ट चलता था, इतना अच्छा चलता था। अब तो खैर बहुत हैवी हो गया, अब तो भाई आईपैड 8 जनरेशन में भी लैग करता है हल्का हल्का। ठीक है, क्योंकि भाई उसके अंदर उन्होंने ग्राफिक्स बढ़ाई है, सब कुछ करा है, इस वजह से इशू करे। अब जो उसका प्रोसेसर है उसके अंदर डला हुआ एप्पल A10। ठीक है, एप्पल A10 की चिप डली हुई थी। अब जो एप्पल A10 की चिप डली हुई थी वो आईफोन 7 प्लस में भी वही चिप डली हुई है, A10 फ्यूजन। ठीक है, अब जो आईफोन 7 प्लस है वो 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि 2016 का इन लोगों ने बनाया हुआ, 2018 में चिप डाली। ठीक है, और वो आईपैड 6 जनरेशन को उन्होंने लॉन्च किया। अब तो खैर आईपैड 6 जनरेशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, क्योंकि यार उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो एप्पल A10 फ्यूजन है। ठीक है, और आईपैड 6 जनरेशन लेने से अच्छा आप इससे अच्छा आईपैड 8 जनरेशन ले लो, क्योंकि यार आईपैड 8 जनरेशन में आपको एप्पल की A12 बायोनिक चिप मिलेगी। ठीक है, और वो यूनिक बनाती है भाई, आईफोन X मैक्स भी है। अगर मतलब जैसे आपको आईपैड पर नहीं खेलना, आप चाहते हो कि यार मैं मोबाइल पर गेमिंग करूँ, तो भाई आईफोन XS मैक्स भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर भी एप्पल A12 बायोनिक है। ठीक है, और आईपैड जैसे 8 जनरेशन में वैसे ही इसमें आईफोन X मैक्स में, अगर आपकी रेंज थोड़ी कम है, आप नॉर्मल बजट का गेमिंग मतलब जैसे आईफोन टाइप में कुछ अच्छी सी चीज़ लेना चाहते हो, तो भाई ये भी बेस्ट है, आप आराम से ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब आईपैड 6 जनरेशन जो है, आईपैड 7 जनरेशन में भी यही है। ठीक है, आईपैड 7 जनरेशन भी लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इससे अच्छा आप 8 ले लो। आईपैड 7 जनरेशन भी आपको पाकिस्तानी लोकल मार्केट कराची के अंदर तकरीबन 50-52 का पड़ेगा, लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा बंदा आईपैड 8 ले ले भाई, पुरानी तरफ क्यों जाए। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे भाई 6 या 7 क्यों लें। उसके अंदर सबसे बड़ी बात, मैं आपकी वीडियो बना के भी डाल दूंगा, इतना लैग होता है, इतना कोई लैग होता है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत लैग होता है। इससे अच्छा बंदा आईपैड 8 ले ले, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको रैम भी इंक्रीज मिल रही है। ठीक है, और हाँ, सबसे रैम की बात आती है। अब जो आईपैड 6 और 7 में जो फ़र्क है ना, वो सिर्फ इतना सा फ़र्क है, दोनों में प्रोसेसर एक ही लगे हुए, खाली एक रैम का फ़र्क है। ठीक है, आईपैड 6 में मेरे ख्याल से मिनिमम 3 GB रैम थी, और 7 में लोगों ने 4 GB रैम कर दिया, खाली इतना सा फ़र्क करा वैसा लोगों ने, बस और कोई फ़र्क नहीं। 8 में हाँ, इन्होंने प्रोसेसर बहुत अच्छा डाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा भी खैर नहीं बोल सकते, नॉर्मल है। ठीक है, अब A12 बायोनिक डाला है। हाँ तो यार, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको रुको सिंपल वर्डों में समझाता हूँ। देखो, आईफोन 7 प्लस जो है उसमें एप्पल A10 फ्यूजन है। ठीक है, और आईपैड 6 जनरेशन में भी यही है, तो भाई इससे अच्छा आप आईफोन 7 प्लस ले लो। ठीक है, उसमें नॉर्मल चल जाएगा, क्योंकि आईपैड 6 लोगे ना आप, उसमें स्क्रीन बड़ी होती है भाई, फिर आपकी ग्राफिक्स इंक्रीज होती है, तो इस वजह से लैग बहुत करता है आईपैड 6 जनरेशन में। आईपैड 7 जनरेशन का नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यार उसमें भी यही है, बस 1 GB रैम बढ़ाई है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें भी लैग होता है। लेना है तो आपको आईपैड 8 लो। ठीक है, अगर आप मोबाइल में जाना चाहते हो, आईफोन का मतलब आईफोन का XS मैक्स ले लो या XR ले लो। ठीक है, ये दो बेस्ट हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक आप कोई सा भी डिसाइड कर लो। सो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।